पितृ पक्ष में पितरों की कृपा। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों को बोली, बेटा, आज हम सबका उपवास है और भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा, मामी जी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर दो सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वही रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज़ होकर खेत में झोंपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहां कोई झोंपड़ी नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई,
जो तेरे घर में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने दो रोटी और चावल भिजवाए, जिससे गुस्से में मैंने झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद, तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गईं, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।